और मेरे प्यारे भाई लोग, क्या हाल चाल है गाइस? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। एंड स्वागत है आप सभी का वेपन ग्लोरी के एक और नए एपिसोड के अंदर। एंड ये इंडियन सर्वर नहीं है, ये है मिडिल ईस्ट की सर्वर। एंड आज की इस वाली वीडियो के अंदर मैं पुश करने वाला हूँ M1014 के लिए, वो भी दुबई के सर्वर में। यस, यानी कि मिडिल ईस्ट का सर्वर है एंड दुबई के रीजन में अपन लोग पुश करने वाले। बाकी अकाउंट की बात करी जाए तो ये अकाउंट बहुत ही ज्यादा पुराना है, मैंने बहुत टाइम पहले क्रिएट करा था, बट यार उसमें खेलने की वजह से ये देखो एक एक हो रखा है। वैसे यूनिक आईडी बन रखी है एक एक हो करके। बाकी आज किस वाली वीडियो के अंदर इसी आईडी से मैं खेलने वाला हूँ, काफी ज्यादा ही मजा आने वाला है। फिलहाल मैं एकदम जीरो हूँ, सच्ची बताऊ तो एकदम जीरो, क्योंकि यहाँ पर देखो दुबई के अंदर मैं जीरो। एंड जो भी गन्स है ना उन सब में जीरो जीरो पॉइंट्स है, मतलब वेपन ग्लोरी तो साफ साफ है ही नहीं, एकदम जीरो है। यानी कि मैं जीरो से शुरुआत करने वाला हूँ। ओके, M1014, M1887, Mag 7, इन सब में भी अपन लोग करने वाले अगर आप लोग अच्छा खासा सपोर्ट दिखाते हो तो। एंड इसीलिए आज की इस वाली वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। एंड जो भी नए हो याद से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। फिलहाल यहां पर दुबई के टॉप 100 में आने के लिए मुझे 2100 पॉइंट की जरूरत है। एंड देखो 1900 अभी है, जब तक मैं पुश करूंगा तब तक 2100 तक हो ही जाएगा, आराम से हो जाएगा। तो यहां पर मुझे 2100 पॉइंट की जरूरत होगी। एंड उसके बाद उसके अगली वीडियो में अपन लोग इसके रीजन में जाएंगे। ओके, तो ये चीजें, बाकी फटाफट मैच को स्टार्ट करते हैं। मैं सोलो ही खेलने वाला हूं तो यहां पर काफी ज्यादा ही मजा आने वाला है। फिलहाल अपना ना ब्रॉन्च है रैंक, तो हो सकता है बॉट वगैरह है स्टार्टिंग में। बाकी हाँ, एक चीज मुझे लेट से पता चली कि इस सर्वर में भी पीसी बैन है यार, मैच ही स्टार्ट नहीं होता पीसी में जल्दी। फिलहाल तो स्टार्ट हो गया, यहाँ पर देख पा रहे हो काफी ज्यादा ही शानदार तरीके से। ऑल राइट भाई लोग, तो यहाँ पर आ चुके हैं मैं गेम के अंदर एंड अपना अल्पाइन मैप आया है। एंड सबसे पहला काम है मुझे तो यार यहाँ से M1014 ढूंढना, बाकी हो सकता है मैच के अंदर बॉट वगैरह भी देखने को मिल जाए। फिलहाल यहाँ पर अपन को स्नाइपर मिल चुका है। ऑल राइट, एंड सामने रखिए AK-47 एंड ये लेविस गैजेट बार बार क्लिक क्यों हो रहा। ओके, यहाँ पर एक बॉट आ चुका है भाइयों, एंड इसे मारने के बाद अपन लोग ना सबसे पहले M1014 की तलाश करेंगे। मैंने बोला था ना हो सकता है बॉट आ सकता है, चलो फटाफट M1014 खोजते हैं। भाई साहब बहुत मुश्किल हो रहा है यार M10 खोजने में, सच्ची बता रहा हूँ। बहुत सारे आर्सेनल का गेट खोल चुका हूँ लेकिन अभी तक नहीं मिला, दरवाजा तोड़ते तोड़ते बूढ़ा हो चुका हूँ। चलो मिल गया फाइनली भाई लोग, इसी बात पे लाइक कर देना। एंड अब बारी है अपन को इसे किल करना है, एटलीस्ट 2 किल करने हैं हेडशॉट से तो फिर मेरा काउंट होगा। देखो भाई लोग, मेरा रैंक बहुत ही ज्यादा कम है और इस वजह से बस बॉट ही आ रहे थे, तो मैंने हेडशॉट से पहले बॉट को तो मार दिया, मतलब मैंने इससे पहले और भी किल्स करे थे लेकिन वो ना M1014 से नहीं था, तो मैंने पहली बार M1014 से तो मार लिया इस सर्वर में। एंड एक और सामने की साइड से आ रहा था तो मैंने उसे भी खत्म कर दिया। एंड यहाँ पर M1014 से 2 किल हो गए, मैंने सोचा एक और कर लेते हैं, क्या ही जा रहा है अगर 100 प्लस हो जाए। यहाँ पर मैंने कर दिया बट हाँ स्टार्टिंग है तो शायद 85 प्लस होगा एंड धीरे धीरे बढ़ेगा वो स्कोर। एंड अभी वो लास्ट ही बंदा बचा है, इसके बाद बुया हो जाएगा इस सर्वर का पहला बुया। एंड यहाँ पर फाइनली मैंने पहला बुया कर लिया जिससे मुझे 50 मिले, मुझे पता था 50 ही मिलेगा। चलो यहाँ पर पहला गेम कंप्लीट हुआ एंड अपन लोग को ऐसे अभी कुछ गेम्स तो खेलने ही पड़ेंगे। ऑल राइट भाई लोग, तो दूसरा मैच स्टार्ट हो चुका है और अभी मुझे पता है क्या करना है, मुझे किसी आर्सेनल के पास जाना है, यानी वहीं पे उतरना है, कोई गन उठानी है एंड जल्दी से आर्सेनल फोड़ के एंड वहां से मुझे M1014 ले लेनी है। तो यहां पर फटाफट से चलते हैं इस आर्सेनल के अंदर एंड देखते हैं क्या यहां से मुझे M1014 मिलता है। फटाफट से यहां पर फोड़ते और देखो ये बर्फ वाला दरवाजा है, तो ये इससे मुझे फायदा हुआ क्योंकि ऐसे तो मैं चाबी वगैरह ढूंढते रह जाता। बट फाइनली मिल चुका है यहाँ से M1014 और अब बारी है किल करने की। तो फटाफट से ना एक छोटे से मॉन्टेज में मैं आपको वो चीजें सारी चीजें दिखा देता हूँ क्योंकि बॉट को ही मारा था। ऑल राइट भाई लोग, तो मेरे अलावा एक और बंदा बचा है एंड जिसे मैंने खत्म करके, मतलब बॉट ही था वो, इस सर्वर का दूसरा बुया कंप्लीट हो चुका है एंड करीब यहाँ से मुझे M1014 में 60 प्लस और मिलेंगे पॉइंट्स। तो भाई लोग वो दोनों मैचेस मैंने पीसी में खेले थे एंड उसके बाद सोलो स्टार्ट ही नहीं हो रहा था, फिर मैंने फोन में आया एंड फोन में बहुत सारे गेम खेले जिसकी वजह से यहाँ पर 1700 स्कोर हो चुका है एंड अभी भी 400 प्लस चाहिए होंगे, उसके बाद ही मैं आ पाऊंगा यहाँ पर दुबई के अंदर। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। देखो पीसी में अपने इंडियन सर्वर की तरह यहाँ भी स्टार्ट नहीं हो रहा था, तो चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फोन में तो एकदम मस्त स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर मेरे पास रहता है डबल वेक्टर और सामने एक बंदा दिख गया था मुझे जो कि मैंने बहुत दूर से स्पॉट करते हुए आया, वो भाग रहा था तो मैंने उसे डैमेज दिया लेकिन वो भाग गया एंड
मैंने केंटा कैरेक्टर यूज किया जो कि थोड़ा बहुत बचा है क्योंकि सर्वर में मेरे पास कोई एक्स्ट्रा कैरेक्टर नहीं थे, तो मैंने उसे मार करके खत्म कर दिया। एंड अब मुझे चाहिए था M1014, सामने आर्सेनल था तो मैंने सोचा कि इसे फोड़ते हैं एंड क्या पता यहाँ से मुझे मिल जाए M1014, क्योंकि उसी की तो मेन जरूरत थी। ऑल राइट, तो चलते हैं यहाँ पर अपन लोग आर्सेनल के अंदर और देखते हैं क्या वहां से मुझे M1014 मिल पाता है। और यहाँ पर फाइनली मुझे M1014 मिल चुका है और अभी बारी है तो बस किल करने की, क्योंकि बिना किल किए कुछ नहीं होने वाला। मुझे सामने एक और बंदा दिख जाता है जो कि पता नहीं क्यों वो सीधा सीधा भागे जा रहा था, उसने कुछ किया भी नहीं, तो मैंने उसे खत्म कर दिया। एंड मुझे डैमेज पड़ रही थी तो मैंने ग्लू वॉल लगा लिए, बट फिर पता चला वो तो दूर है एकदम सामने बंदा जो कि मेरे ही तरफ आ रहा था भाग करके। वो देखो टायर पे जंप किया और फिर जंप करके मेरे पास आया, मैंने M4A1 से थोड़े से डैमेज दिया एंड फिर M1014 चला के उसे खत्म कर दिया। और यहाँ पर मेरे M1014 से 2 किल हो जाते हैं एकदम मस्त वाला। सामने की साइड आने के बाद मुझे M4A1 चलाना पड़ता है जो कि वो बंदे को मैंने खत्म भी कर दिया था। फिर यहाँ पर क्या सीन होता है आप देखो, मैं डैमेज दे रहा था एंड भाई गाड़ी वाले तो यहाँ भी आ गए हैं, मतलब इस सर्वर में भी हर एक सर्वर में गाड़ी चलाने वाले कोई ना कोई रहते ही है, जो कि आप लोग यहाँ पर देखना मैं अरे लग गई एंड उसके बाद मैं मर जाता हूँ जो कि आप लोग देख पा रहे हो। एंड उसके बाद जो प्लस होता है वो शायद करीब 50 या 60 प्लस होता है जो कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो 43 का या फिर कुछ ऐसा ही प्लस हुआ। हाँ 43 का। नेक्स्ट गेम में आने के बाद मैं आर्सेनल के पास ही उतरता हूँ क्योंकि मुझे चाहिए होता है M1014 हर एक राउंड में। एंड यहाँ पर मैं उसे फोड़ देता हूँ एंड अंदर आने के बाद मुझे M1014 सक्सेसफुली मिल जाता है जो कि आप लोग देख पा रहे हो एकदम। एंड उसके बाद आगे निकलते ही मुझे डैमेज पड़ता है जो कि सामने एक बंदा आ चुका था वो भी आर्सेनल लूटने, तो मैंने यहाँ पर तात्सुया लगा करके उसे खत्म कर दिया। एंड केंटा की वजह से मैं थोड़े बहुत बचा, वरना मैं यहीं पे खत्म हो जाता क्योंकि उसने भी बहुत डैमेज दे दिया था। सामने आने के बाद एक और बंदा यहाँ पर मुझे दिखता है जो कि सीधा बैठा था एंड पता नहीं वो मुझे देखा या नहीं देखा, लेकिन वो कुछ कर नहीं रहा था तो मैंने फटाफट से यहाँ पर खत्म कर दिए। एंड उसने भी सोनिया यूज कर रखा था तो वो आराम से मर गया एंड दिमित्री वगैरह वो यूज नहीं किया। नेक्स्ट आने के बाद यहाँ पर एक बंदा दिखा था जिसे मैंने स्कार से थोड़े से डैमेज दिए एंड उसके बाद मुझे M10 से किल करना था, तो मैं पास में जाकर के उसे M10 बजा देता हूँ एंड एक और किल हो जाता है M1014 से। और इस गेम से मुझे मिलता है +64 का। धीरे धीरे मैं आगे बढ़ ही रहा था दुबई के टॉप 100 की लिस्ट की तरफ। एंड नेक्स्ट गेम में आने के बाद यहाँ पर मैं वापस से आर्सेनल के पास ही उतरता हूँ एंड आर्सेनल फोड़ने के बाद मुझे वापस से M1014 मिल जाता है। किस्मत देख रहे हो कितनी अच्छी है, मतलब पहले तो मुझे पता नहीं था कि हाँ यार कैसे, बट सामने एक और बंदा दिख जाता है जो सीधा भाग रहा था, पहले इसने मुझे डैमेज दिया था। एंड नेक्स्ट आगे आने के बाद यहाँ पर एक अच्छी सी फाइट चल रही होती है पीक के ऊपर, बहुत ही अच्छी फाइट, 2-3 लोग थे सामने। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कितनी सारी ग्लू वॉल लगी हुई है। मैं धीरे धीरे चला जाता हूँ एंड शायद उस बंदे ने मेरे को नहीं देखा था या फिर थोड़ा नूब था जो भी था, बट उसने सोनिया दिमित्री यूज किया एंड मैंने सोचा जब तक वो रिवाइव हो तब तक मैं पूरा भर के खाली कर देता हूँ एंड उसके बाद वो किल फिनिश हो गया। नेक्स्ट आने के बाद एक और बंदा पत्थर के ऊपर बैठा था तो मैंने सामने गया ग्लू वॉल लगाते हुए एंड वो आई थिंक मेरी तरफ जब तक देखे तब तक मैंने उसे खत्म कर दिया, वरना अगर वो पहले देख लेता तो मैं खत्म हो जाता यहाँ पर। देख रहे हो HP कितना कम हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर एक और बंदा पीक के ऊपर छत के ऊपर था, उस बिल्डिंग के, तो मैंने M60 से किल कर लिए। एंड एक और बंदा यहाँ पर था जिसकी एकदम क्लोज रेंज में फाइट हुई क्योंकि बहुत ज्यादा ग्लू वॉल वगैरह लगा रहा था, मैंने M10 से डैमेज दिए बट यहाँ पर एक गोली बचा था, मेरे रेंज से बाहर था तो मैंने सोचा कि M60 से ही खत्म कर दिया जाए। एंड इस गेम से प्लस हुए पूरे 100 जो कि आप लोग देख पा रहे हो एकदम शानदार सा। तो भाई लोग अभी तक जो मैं पुश करके मेहनत कर रहा था वो रंग लाई एंड अभी ये लास्ट मैच है जिसके बाद मैं चला जाऊंगा टॉप 100 के अंदर दुबई की लिस्ट में, जो कि आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर दुबई की लिस्ट में M10 चलाने में यहाँ पर 100 प्लस चाहिए और एंड मैं ऊपर चला जाऊंगा 98 या 97 के ऊपर। तो चलो मैच को करते स्टार्ट। इस गेम में आने के बाद मैं वापस से आर्सेनल के पास ही उतरता हूँ क्योंकि ये अपना काम ही था, मैप के कहीं में भी अपने को ये नहीं मिलता M1014 मिलता नहीं है, तो मुझे आर्सेनल से ही लेना पड़ेगा। एंड यहाँ पर आर्सेनल के पास मुझे इजीली मिल गया एंड अभी बारी है किल करने की, कैसे भी बंदे ढूंढने हैं एंड वहाँ से किल करके ख़त्म करने हैं। तो चलो फटाफट यहाँ पर मैं लॉन्च पैड यूज़ करने के बाद आता हूँ हैंगर के पास क्योंकि यहाँ पर फाइट चल रही थी।
बट यहाँ आने के बाद मुझे कुछ खास ऐसा दिखा नहीं, तो मैंने सोचा चलो आगे बढ़ करके देखते हैं एंड शायद वहां से मुझे मिल जाए। बाय द वे हाँ, मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा कि प्लीज जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड आप लोग कमेंट करके बताना कि क्या इसकी नेक्स्ट पार्ट कब आनी चाहिए, यानी अगले ही दिन आनी चाहिए या फिर एक दो दिन बाद आनी चाहिए, कमेंट करके जरूर से बता देना। इतना ढूंढने के बाद भी मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर तो कोई है ही नहीं, बट आगे चलने के बाद मुझे मिल जाता है बंदा, आगे आपको देखने को मिल जाएगा। मैप के अंदर दिख रहा था वो झूठ थोड़े दिखेगा, एक बंदा सीधा खड़ा था जिसे मैंने मारा, बट उसका दूसरा टीममेट आ गया और उसने ग्लू वॉल तो लगा दिया लेकिन उसके पीछे तो वो था ही नहीं, वहां से वो भाग चुका था। बट मैंने इसे फिनिश कर दिया क्योंकि मुझे कैसे भी किल चाहिए थे M1014 से। एंड थोड़े बहुत ढूंढने के बाद मैं आगे गया तो यहाँ पर मुझे घास बना हुआ दिख गया एंड वो तो भाई धड़ाधड़ मारना स्टार्ट कर रहा था, तो मैंने M10 भर दिए एंड अपना दूसरा किल भी फिनिश हो गया M1014 से। आगे आने के बाद यहाँ पर फाइट चल रही थी मेरे टीममेट के साथ, तो मेरे पास लॉन्चर था, मैंने एक लॉन्चर मारे तो यहाँ पर वो खत्म हो गया, मैंने ये फिनिश कर लिया। बट उसका दूसरा टीममेट आया, मैंने उसे 200 का मारा, पता नहीं उसकी 200 से HP ज्यादा थी इसलिए वो नहीं मरा, आई डोंट नो क्या हुआ, बट उसने मुझे डाउन कर दिया एंड उसके बाद मेरे टीममेट ने उसे खत्म किया, मैं वापस से रिवाइव हो गया। एंड अभी भी मैंने सोचा था कि एक और किल कर लूं M10 से क्योंकि वो दोनों बॉडी शॉट थे। यहाँ पर सामने वाले एनिमी के साथ हिट लिस्ट लगी थी तो दोनों का लोकेशन मिल रहा था, वो घर के अंदर घुसा था तो मैंने स्नाइपर से उसे हेड दिए, बट वो हेड का कोई फायदा हुआ नहीं, यहाँ पर उसके दूसरे टीममेट ने रिवाइव कर दिया उसे। एंड फिर मैं आगे बढ़ता गया, क्लोज में आने के बाद फाइट चल रही थी मेरे टीममेट के साथ, मेरे टीममेट ने एक को डाउन किया एंड वो दूसरे के साथ फाइट करने चला गया, मैंने यहां पर उसे 150 का मारा एंड उसके बाद उसकी सोनिया थी यहां पर देखो, एंड उसके बाद उसकी सोनिया आ जाती है, फिर वो अचानक अपने आप मर जाता है एंड अपने टीममेट को रिवाइव करके अपना वाला बदला पूरा कर देता हूं, यानी इसने जो मुझे रिवाइव किया था उसका बदला मैंने अभी रिवाइव करके पूरा कर दिया। आगे आने के बाद यहां पर बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ था, मैं दूसरे के साथ फाइट कर रहा था क्योंकि दो बंदे उस पीक की बिल्डिंग के ऊपर चढ़े थे सबसे छत के ऊपर एंड वहां से बहुत देर से फाइट डैमेज दे रहे थे, मैंने 150 मारे एंड फिर स्कोप ऑन करके एक बंदे को हेड मारा एंड फिर पता चला यहाँ पर वो रिवाइव खेल रहे हैं एंड पीछे मेरे टीममेट को डैमेज पड़ रही है बड़ी खतरनाक वाली। यहाँ पर मैं वही चीज़ें कर रहा था, FGL 24 मारा एंड उसके बाद अचानक से मेरा टीममेट और फिर मैं भी गायब क्योंकि पीछे से दो बंदे डैमेज दे रहे थे इस कार से एंड इस गेम से मेरा 93 या फिर कुछ ऐसा ही प्लस हुआ। एंड उसके बाद एकदम से मैं आ जाता हूँ उस लिस्ट के अंदर, चलो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कि मैं कितने नंबर पे आ चुका हूँ। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो मैं 97 नंबर पे आ चुका हूँ दुबई में, एंड अगली वीडियो में मैं इसके रीज़न के लिए पुश करूँगा, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर देना एंड कॉमेंट में बताना कि आपको ये वाली कैसी लगी, एंड हाँ कॉमेंट में ये भी बता देना कि आपको कब चाहिए। बाय द वे हाँ, जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया कर लेना एंड हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर भाई लोग।